डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 19 की पेज नंबर 132 की प्रश्न तथा उत्तर कंप्लीट किए। आज हम भाषा तथा व्याकरण करेंगे, तो आप अपनी CW कॉपी निकाल लीजिए और पीछे वाले पोर्शन में हम भाषा तथा व्याकरण करते हैं। तो स्टार्ट हो जाइए। देखिए, भाषा तथा व्याकरण में है, फर्स्ट नीचे लिखे शब्दों में से गलत पर्याय पर टिक लगाइए। जो ये शब्द दिए हैं इसमें से जो गलत है उस पर टिक लगाना। सुंदर, सुंदर का खूबसूरत भी होता है, आकर्षण भी, रूपमान भी, परंतु लावण्य नहीं होता, तो लावण्य गलत है, इस पर गलत लगाइए। पुराना का जीर्ण भी होता, पुरातन भी होता, प्राचीन, प्रखर नहीं होता, तो प्रखर में गलत लगाइए। गंगा का देव नदी, तरंगनी, सुर नदी, जानवी, तो सुर नदी पर गलत लगाइए। और आरंभ का इति, आदि, प्रारंभ, श्रीगण, तो इति पर गलत लगाइए। पल्लव का किसले, पत्ता, पाती, पात, तो पत्ता, पाती, पात सही है, किसले गलत है, किसले पर गलत है। डाल का शाखा, डाली, टहनी, तना, तना गलत है, तना पर गलत है, टिक लगाइए। अब पेज नंबर 133 पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन है, सही विलोम शब्द चुनकर सही लगाइए। आगमन, आगमन का बहिर्गमन, गमन और पुनरागमन, तो गमन सही है, इस पर टिक लगाइए। आरंभ का आदि, समाप्ति, अंत, तो अंत पर टिक लगाइए, सही का आरंभ का अंत। सजीव का क्या होगा, ये दिया है परजीव, जीवित, तो क्या होगा सजीव का, निर्जीव, तो थर्ड नंबर पे निर्जीव दिया है, उस पर टिक लगाइए। अस्थिर का स्थिर, स्थिति और स्थिरता, तो स्थिर पर टिक लगाइए। स्थिर, परिचित का अपरिचित, परिचायक, परिचर्चा, तो अपरिचित पर टिक लगाइए। संरक्षक का संचालक, संहारक और संचयकर्ता, संहारक पर टिक लगाइए। कोलाहल, कोलाहल का भीड़भाड़, अशांत और शांति, तो कोलाहल का शांति पर टिक लगाइए। स्वाभाविक का आदत, बनावट, बनावटी, बनावटी पर टिक लगाइए। नीचे दिए गए शब्दों की सही मूल शब्द तथा प्रत्यय लगाकर सही लगाइए। पढ़ाई का क्या होगा, मूल शब्द क्या होगा, पढ़ प्लस आई, पढ़ा प्लस ई और पढ़ना प्लस ई, तो क्या होगा, पढ़ प्लस आई, तो टिक लगाइए। बचपन का बच्चा प्लस वन, बचपन प्लस बच पर अपन, तो बचपन प्लस पन पे टिक लगाइए। चंचलता का चन प्लस लता, चंचल प्लस ता, चंचला प्लस ता, तो चंचल प्लस ता पे टिक लगाइए। ध्यान पूर्वक का, ध्यान प्लस पूर्वक, ध्या प्लस न पूर्वक, ध्यान पूर्व प्लस का, तो ध्यान प्लस पूर्वक पर टिक लगाइए। फिर अगला है घबराहट, तो घब प्लस राहट, घबरा प्लस रट, हट, घबरा प्लस आहट, घबरा प्लस हट पर टिक लगाइए। चमत्कारिक का चमत्कार प्लस एक, चमत्कारिक प्लस एक और चमत् प्लस कारिक, चमत्कार प्लस एक पर टिक लगाइए। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। का नंबर पे लिखा, झगड़े में केवल एक पक्ष दोषी नहीं होता, तो उचित मुहावरा या लोकतियाँ लिखिए। तो झगड़े में हमेशा दोनों पक्ष दोषी होते हैं, तो इसका लिखा है मुहावरा, इसके लिए उचित दीजिए। तो उचित मुहावरा क्या हुआ, ताली एक हाथ नहीं बजती, दोनों हाथ बजती है, ठीक है। खा नंबर पे दिया 7-5 मिनट रुको फिर चलते हैं, तो इसका क्या लिखा है, वाक्य शुद्ध कीजिए, ये वाक्य गलत दिया है, इसको शुद्ध करना, क्या होगा 5-7 मिनट रुको फिर चलते हैं। गा नंबर पे तुम सब मेरी बात खाली स्थान सुनो, यानी किया विशेषण पद शब्द भरिए, तो क्या होगा, तुम सब मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। अगला है, वह गत वर्ष जापान गया था, अब इसको भविष्य काल में बदलना है, तो क्या है, वह अगले वर्ष जापान जाएगा। अगला दिया है, आंखों के सामने होने वाला जिसके आने की तिथि ना हो, के लिए एक शब्द लिखिए। आंखों के सामने होने वाला यानी प्रत्यक्ष,
और जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि। अगला देखते हैं 4 नंबर का, कर्ण तथा शत का तद्भव लिखिए। तो कर्ण का तद्भव हुआ कान और शत का सो। अगला देखिए मेघाचन तथा मंडलाकार का संधि विच्छेद किए। तो मेघाचन का मेघ प्लस आच्छादन और मंडलाकार का मंडल प्लस आकार। अगला क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 134 पर, दिए गए शब्दों का वाक्य पर प्रयोग कीजिए। यह आपका होमवर्क है, यह आपको स्वयं करना है। जिस समाज के समस्त पद में कोई पद प्रधान ना हो, कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण दिए हैं घनश्याम घन के समान श्याम, जो अर्थात कृष्ण, गजानन गज के आनंद, मुख जिसका अर्थात गणेश, मयूर वाहन मयूर है वाहन जिसका अर्थात कार्तिकेय, गंगाधर गंगा को धारण करता है जो अर्थात शिव। तो अब नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए, विग्रह भी आपको करना है। 7 नीचे गए देवी देवता के नाम के सामने उनके वाहन लिखिए, ये भी प्रश्न आपको करना है। अगला देखिए रचनात्मक कौशल, लकड़ी और घास फूस का एक छोटा सा वर्ड हाउस बनाकर अपने घर की छत पर रखें और आसपास बाजरे के दाने व पानी की व्यवस्था करें। आपको पक्षी की क्या प्रतिक्रिया मिलती है बताइए। मनोरंजक प्रकृति महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कुछ ऐसे संस्मरण गिल्लू गोरा नीलू आदि पढ़िए। महादेवी वर्मा की व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर एक परियोजना के अंत फाइल करिए। अब आपको अंतर्गत फाइल बनाइए। ये आपका पूरा 19 नंबर का भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपका पूरा कोर्स समाप्त हो गया। बच्चों तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा और अपनी CEE कॉपी कंप्लीट करिए।